गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवतापो प्रणाशिने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। आगे कहते हैं तो बड़ी विलक्षण लीला है। यहाँ आप सब तो ये सब लीला जानते हैं। इनके मामा ने एक छोटे से कलसी ला के दिए, बड़ा आनंद हो गया है। पानी भरने के लिए कलसी का उपयोग करेंगे तो बड़े आनंद से कि हाँ आप मुझे कलसी मिल गई है। तालाब के ऊपर गई कलसी लेके, जल से भर दी, कमर पे रखी, जाना है। तो जाने के पहले जैसे हमेशा करती थी, जल में अपना प्रतिबिंब देखा, रास्ते चकित हो गई। देखो मैं अब सीधी नहीं है, टेढ़ी हो गई है। दौड़ के आई दीदी माँ के पास और कहती है कि देखो देखो देखो, तुम हमेशा कहती थी ना ये सीधी है, देखो मैं टेढ़ी हो गई हूं। छोटी लीला है, हम सब जानते इसको, लेकिन अपना एक अद्भुत दर्शन करा रही है। भगवान सीधी ही है, वो वक्र नहीं है, कभी भी वक्र नहीं, वक्रता उनमें है ही नहीं, सीधे है। लेकिन कलसी में जल भरने के बाद वो कमर पी ली, यानी उसका स्वीकार किया। जल मानी जड़, कई बार हम लोग इसका अर्थ देख चुके हैं। भगवान अपनी इच्छा से जब जड़ का स्वीकार करते हैं तब त्रिभंगी बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण त्रिभंगी है ऐसा कहते हैं ना, त्रिभंगी है क्यों? अगर कलसी वैसी कमर में रखे तो टेढ़ी नहीं होगी, उसमें अगर जल भरा जाएगा तभी टेढ़ी होती है। जो जल कुंभ है उसी की वजह से टेढ़ी होगी। माने जब जड़ का स्वीकार किया तब त्रिभंगी अवस्था आती है, वक्रता आती है। वक्रता क्या है? स्वयं स्थिर है, सीधा है, उसमें कोई भी विकार नहीं है। लेकिन जब जड़ का स्वीकार किया है तब उत्पत्ति स्थिति लय तीनों शुरू हो जाते हैं। जब स्वयं चेतनावस्था में ही है, कुछ नहीं है उसमें, सीधा सरल है। लेकिन जड़ का स्वीकार किया उसी क्षण उत्पत्ति स्थिति लय प्रारंभ हो ही गया, वक्रता आई गई, पूरा अपना स्वरूप दिखाते, अपना लीला ही है क्या ये दिखा रही है। तुलसीदास भी कहते हैं ना, नाम रूप दुई इस उपाधि, भगवान की उपाधि सिर्फ नाम और रूप है। नाम रूप छोड़ो, भगवान अपना आप रहेगा। तो उपाधि का आश्रय करने से ही चेतन पर परम तत्व में ये जड़त्व आता है, वक्रता आती है, क्योंकि उत्पत्ति स्थिति लय तीनों शुरू होते हैं। उत्पत्ति चरण है, ये कमर जो है उसकी उससे धड़ा लिया है वो स्थिति है, और मस्तक जो है लय है। ये वक्रता आती है, त्रिभंगी अवस्था आती है। पाव के पास उत्पत्ति के इसलिए कि यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जो चरण होता है ना,
वो भाव के द्वारा ही होता है, इसलिए उसे चरण कहते हैं। चरते आने न तस्मात चरण, उसकी सहायता से हम चलते हैं, इसलिए वो चरण है। तो अपनी स्थिति का त्याग, भासमान क्यों ना हो, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, माने इस क्षण यहां, उस क्षण वहां, काल और स्थल की निर्मिति हो रही है, उत्पत्ति है ये। फिर स्थिति जड़ रूप में जो को होगा सब जड़ रूप में रहेगा, किसी भी तरह से उसका जन्म मृत्यु होते रहे, ये सब प्रासंगिक उत्पत्ति स्थिति लय चलते रहते हैं, फिर भी जड़त्व कायम रहता है, वो छूटेगा नहीं। इसलिए कमर में जो घड़ा लिया है वो स्थिति है, और जब ये सब मिथ्या है, मेरा कुछ वास्ता नहीं इससे, इस सब से परे मैं हूं, तो अनुभूति होगी, स्थिति होगी ही, ये बुद्धि तो मस्तक में ही रहती है। इसलिए त्रिभंगी जो है, मस्तक, कमर और पांव, भगवान श्री कृष्ण का त्रिभंगी रूप इन तीनों में है, तो ये दिखा रही है, इसीलिए मां दिखाती है ये। देखो देखो सीधा करते थे ना, अब देखो मैं टेढ़ी हो गई। नहीं मानता, फिर भी छोटी बच्ची वही बात, फिर ये शरीर हमेशा अपने को छिपाए रखना चाहता है, एक छोटी सी मामूली सिद्धि प्राप्त हो जाए तो कितना डंडोरा पिटते हैं हम। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, फिर भी अनंत शक्तियों का स्रोत होते हुए भी अपने को छिपाए रखना चाहता है, और छिपाए ही रखा है। इस प्रकार जो कुछ वो दिखाते हैं ना अपना लीला चरित्र, उस लीला चरित्र में अगर अपनी इच्छा हो तो उसी का दर्शन वो करा देती है। बस ध्यान में रखना, सिर्फ चाहे इतनी बात। इसीलिए जब मंगलाचरण हम करते हैं ना, उसके प्रार्थना करते हैं, इच्छा में मातर मम हृत सरोजे हित्वा कुरुष्व लीला प्रकाशम। आपने लीला की है लेकिन उसका अर्थ हमारे ध्यान में आता नहीं है, आप उसका प्रकाश करो हमारे मन में। हमेशा ये बात होती है। ओम ज्ञान नमो नमः।